नमस्कार दोस्तों, आज विश्व भर में जितनी भी दिवस मनाई जाती है वो संसार और उनके लोगों की भलाई के लिए मनाई जाती है। इन्हीं दिवस में से एक हमारा विश्व शांति दिवस भी आता है, जिसके द्वारा हम लोग अपने पूरे देश में, पूरे विश्व भर में शांति को कायम रखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके नाम से ही मालूम होता है कि यह एक शांति का प्रतीक है और इसके नाम में ही शांति छिपा हुआ है, और यह हमारे पूरे विश्व भर में शांति का एक संदेश फैलाने के लिए विश्व शांति दिवस को मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 2019 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 71वीं सालगिरह थी, जिससे कि यह और भी खास दिन बन जाता है और लोगों को शांति और सम्मान से जीने का एक अधिकार प्रदान करता है। तो विश्व शांति दिवस के रूप में हम लोग आज ही के दिन यानी 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा सन 1981 में आज ही के दिन विश्व शांति दिवस की स्थापना की गई थी, और इसके लगभग 20 वर्षों बाद यानी कि सन 2001 में पूर्ण रूप से एक मत पारित हुआ और उस मत के द्वारा पूरे विश्व में विश्व शांति दिवस मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व शांति दिवस का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी के अंदर शांति और सम्मान का एक मार्ग फैलाना, एक रूप देना, जिसके द्वारा वो सम्मान से जी सके। इस साल सन 2020 में विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो थीम है वो शेपिंग पीस टुगेदर रखा गया है, जबकि पिछले साल यानी कि साल 2019 में इसका थीम रखा गया था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। यानी कि अब मैं आपको कहूं तो हमारे देश में सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, तो आज के दिन पूरे विश्व की जितनी भी महासंघ के लोग हैं यानी विश्व शांति को फैलाने वाले लोग जो हैं, वो एक सफेद कबूतर को उड़ा करके विश्व शांति का एक सूचक देते हैं कि हमारे देश में भी शांति फैली रहे। यानी कि सफेद चिन्ह को हम लोगों ने एक विश्व शांति का दूत माना हुआ है। पंडित नेहरू जी ने दुनिया भर में शांति एवं अमन की स्थापना के लिए 5 मूल मंत्र दिए हैं, जिन्हें पंचशील का सिद्धांत भी कहा जाता है। आज सन 2020 में हमें शांति दिवस से ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हमें एक इंसानों से दूर नहीं रहना, एक इंसानों से लड़ना नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारे कोविड-19 फैले हुए हैं, हमें उससे लड़ना है और उसको दूर करना है। वो जो हमारी अशांति फैला रहा है उसको खत्म करना है, हमें अपने एक दूसरे की शांति को भंग नहीं करना है, और हम सभी को एकजुट होकर के, एक साथ होकर के मिल के रहना पड़ेगा। और जो हमारे इस देश में यानी हमारे पूरे विश्व भर में कोविड-19 का जो एक महामारी फैला हुआ है, इससे हमें लड़ना है और इसको खत्म करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप जान गए होंगे कि विश्व शांति दिवस क्यों और कब मनाया जाता है। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने पूरे देश में जहां भी रहें, शांति के साथ रहें और अपने देश का सम्मान बढ़ाएं। तो शांति दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।